Oh my god, train! Oh my god, train! अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सईद। तो आज हमारी वीडियो का पार्ट टू है फ्लैट बेल्ट ट्रेलर का। तो इसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक एडवांस टाइप की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि आप मैप की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं और इसमें जो डिफरेंट टाइप के 3D मोड हैं वो किस तरह से स्पॉन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने वीडियो किस तरह से रिकॉर्ड करनी है और कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सो यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ आपको मोड्स की नीड होगी, तो मोड्स का जो लिंक होंगे वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे F7 प्रेस करना है और आपकी जो करंट व्हीकल होगी वो यहाँ पे स्पॉन हो जाएगी। उसके बाद आपने कंट्रोल E प्रेस करके इसको रिप्लेस कर देना है। इस टाइप की वीडियोस क्रिएट करने के लिए आपको जो ट्रक की जरूरत होगी वो है मैन TGS। इस मोड का जो लिंक है वो BeamNG की ऑफिशियल साइट पे आपने इसको सर्च कर लेना है और वहां से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास इस टाइप के व्हीकल्स आ गए, इनमें से जो भी आप यहाँ पे रिप्लेस करना चाहें कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे मोड्स हैं, अगर आप ट्रैक्टर को भी यूज़ करना चाहें तो उसको भी इस गेम में यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मेन्यू आ जाएगा जिसमें ट्यूनिंग भी कर सकते हैं और इसके कलर वगैरह को भी इनहांस कर सकते हैं। जी, ये करने के बाद आपने F11 प्रेस करना है और यहाँ पे वर्ल्ड एडिटर को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे असल में आपको दो ट्रस्ट की नीड होगी, जिनको आपने एक को AI को यूज़ करके यूज़ करना है और दो जो दूसरा करना है उसको आपने मैनुअल ड्राइव करना है। मोस्टली आपने इस टाइप की वीडियोस में देखा होगा कि दो ट्रक एक ही साथ में रन हो रहे हैं। अच्छा, इनको स्पॉन करने के बाद हमें इनके लिए फ्लैट बेड ट्रेलर की भी नीड होगी। इसमें आपको एक इशू आ सकता है जब भी आप AI की मदद से फ्लैट बेड ट्रेलर को रन करेंगे। सो ये हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। इसके अलावा हमें जो मोड्स चाहिए होगा वो चाहिए होगा फ्लैट ट्रेलर का। इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इसको भी आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मेरे पास ट्रेलर हैं, ये 20+ हैं, इसमें काफ़ी सारे मोड्स आपको मिल जाएंगे। जो यहाँ पे आपने यूज़ करना है वो ये वाला करना है, जिसके साथ हैच का ऑप्शन है वही आपने यूज़ करना है, क्योंकि मोस्टली वीडियो में आपने जो देखे होंगे वो यही यूज़ हो रहे थे। अब इसको इन ट्रेलर के साथ अटैच करने के मुख्तलिफ तरीके, जो सबसे ऑफिशियल है ना वो ये वाला है। सबसे पहले तो आपने उस व्हीकल को सिलेक्ट करना है जिस व्हीकल के साथ इसको आपने अटैच करना चाहते हो। उसके बाद आपने L की प्रेस करनी है। जैसे ही L की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ब्लू एंड ये जो रेड कलर का डॉट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम अब इस ट्रेलर को अटैच कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेलर के नीचे भी देखें तो आपको ब्लू एक डॉट नजर आ रहा होगा। सो सिंपली उसके बाद आपने इस ट्रेलर को पीछे ले जाना है और जैसे रियल टाइम हम ट्रेलर वगैरह को अटैच करते हैं तो उसी हिसाब से आपने इसको भी अटैच करना है। अगर यहाँ से आपके पास नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे देखें आपको नोड्स नज़र आ रही होंगी। तो किसी भी आप एक नोड्स को पकड़ लें और इसके ऊपर आपने ले आके आना है ताकि ये जो हमारा ट्रेलर है वो अटैच हो। जैसे ही यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे देखें आपकी स्क्रीन एकदम से मूव करेगी और इस ट्रेलर के साथ आपको कन्फर्म हो जाएगा आपका जो फ्लैट बेड ट्रेलर है वो अटैच हो चुका है सामने वाले ट्रक के साथ। तो जैसे ही अब मैं ट्रक को मूव करूँगा तो ये इसके साथ फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक का सेटअप हो गया। अब दूसरे का सेटअप करने से पहले आपने एस को टेस्ट कर लेना है। टेस्ट किस तरह से करना है, क्योंकि जब भी आप AI को रन करके करेंगे हो सकता है ये ट्रेलर यहीं पे रुक जाए और आपका ट्रक आगे चला जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, F11 की प्रेस करनी है। F11 की प्रेस करने के बाद विंडोज़ में जाना है और उसके बाद गेम प्ले, देन आपने जाना है स्क्रिप्ट AI मैनेजर। यहाँ पे अब ये हमारा ये वाला ट्रक येलो वाला जो सिलेक्टेड है इसको आपने रिकॉर्डिंग कर लेनी है। यहाँ पे रिकॉर्ड बटन प्रेस करें, अगेन F11 प्रेस कर दें और यहाँ के आपने इसको ड्राइव, अच्छा ड्राइव की स्पीड ना आपने अपने हिसाब से रखनी है, 20 तक रख लें या 25 के करीब रख लें तो ये ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो आप इसके साथ ट्रेलर लेके आएंगे तो उसकी भी स्पीड इसी हिसाब से होगी तो इजीली आप इसे हैंडल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ।
तो यहाँ पर हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद दोबारा से आपने F11 प्रेस करना है और इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना है। देन फिर आपने मोर में जाना है और लूप को अनचेक कर देना है। अब आपने यहाँ पे टेस्ट करना है, यहाँ पे इसी को प्ले करके टेस्ट करना है कि जब आप रीप्ले करेंगे कि तो ये वाला जो फ्लैट बेड ट्रेलर है वो इसके साथ अटैच होता है या नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही रीप्ले हुआ तो ये हमारा जो ट्रेलर है वो वहीं पे खड़ा हुआ है और ट्रक आगे चल पड़ा है। तो ये इशू आपको फेस करना पड़ सकता है, तो इसको आपने फिक्स किस तरह से करना है कि टैब की प्रेस करनी है और जो आपका पहले वाला ट्रक है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब उसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप दोबारा से रीप्ले करने लगे, यहाँ पे आपने F11 की प्रेस करनी है और यहाँ से इसे मैं रीप्ले करने वाला हूँ। रीप्ले करने के फौरन बाद आपने L प्रेस कर देना है। L जैसे ही प्रेस करेंगे वो आपका जो ट्रेलर है वो इसके साथ ऑटो ही अटैच हो जाएगा। ये यहाँ देखिए, यहाँ पे ये अटैच हो चुका है, अब ये खुद ब खुद चलता जाएगा। तो जब भी आपके पास इस टाइप का इशू आ जाए कि आपका ट्रक आगे चला जाए और ट्रेलर यहीं पे रह जाए, तो आपने इसी मेथड को यूज़ करके इसको फिक्स करना है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि एक टाइम में दो ट्रेलर को किस तरह से रन कर सकते हैं। एक को आपने AI की मदद से रन करना है और दूसरे को आपने खुद ड्राइव करना है। तो यहाँ पे भी आपने L प्रेस करना है और जैसे ब्लू डार्ट वगैरह ये आ जाएँ तो आपने इसको भी खींच के इसके ऊपर ले आना है और ये अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला अटैच हो गया है। अब आपने जिससे रिकॉर्डिंग किस तरह से करनी है, हमारा एक AI के साथ अटैच है और दूसरे को हमने मैनुअल ड्राइव करना है। तो सबसे पहले तो आपने जो AI का यहाँ पे लाइन है इसको ख़त्म करना है, डिस्प्ले पास को ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने पहला काम जो करना है, यहाँ पे आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। ये आपका फर्स्ट सीन हो जाएगा जैसे ट्रेलर दोनों इकट्ठे चल रहे होते हैं। ये आपने रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या करना है, इस येलो वाले पहले को सिलेक्ट करना है। ये मेरे पास येलो वाला सिलेक्ट है, आपने क्या करना है, यहाँ से इसका जो रीप्ले होगा इसको सबसे पहले आपने प्ले करना है, ठीक है। उसके बाद आपने L प्रेस कर देना है ताकि ये जो ट्रेलर है उसके साथ ऑटो अटैच हो जाए। यहाँ पे देखें ये अभी नहीं हुआ, तो दोबारा से आपने करना है। तो उसके बाद फौरन ही जैसे ही आपने दोबारा रीप्ले स्टार्ट करें तो फौरन ही L की प्रेस कर देनी है। L की से ये होगा, ये दोबारा ट्रेलर जो है जब आप AI को यूज़ करके रीप्ले कर रहे होंगे तो ये ऑटो अटैच हो गया। उसके बाद आपने टैब की प्रेस करनी है और आपने अपने मेन ट्रेलर की तरफ मूव कराना है। जैसे ही यानी कि आपने गेम को अनपॉज करेंगे तो आपने इसको भी उसी स्पीड से चलाना है जैसे फर्स्ट वाला चल रहा है। यहाँ पर मैं गेम को अनपॉज करता हूँ, इसको भी ड्राइव करता हूँ। तो ये दोनों एक ही टाइम में स्टार्ट होंगे और मोस्टली वीडियो में आपने देखा होगा कि एक टाइम में दो ट्रेलर कैसे रन होते हैं। तो इस AI वाले मेथड को यूज़ करके आप दोनों ट्रेलर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्टॉप कर दें तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट क्लिप होगी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट सीन आपका हो गया। उसके अलावा जो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने सीन सेटअप से पहले यहाँ पे आपने अपनी व्हीकल्स को यहाँ पे स्पॉन कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको व्हीकल स्पॉन करके दिखाता हूँ कि इस जो रैंप है इस पर भी व्हीकल्स को आपने लेके आना है और बाद में ड्राइव करना है। तो ये जो स्टोरी माइंड है ये आपने खुद करना है, पूरी स्क्रिप्ट वगैरह एक माइंड में सेटअप कर लें। सबसे बेस्ट ये है कि आप किसी और चैनल की वीडियो देखें और उसी की कॉपी कर दें, तो वो भी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सो इसी हिसाब से आपने इन चारों रैंप पर डिफरेंट टाइप की कलर की कार यहाँ पे स्पॉन कर देनी है और यहाँ पे अगर आप ड्राइव करके भी देखें तो इसे आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। मूव करने के बाद आपने इसको यहाँ से क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद आप इनके जो ऊपर है ना फ्लैट बेड ट्रेलर के ऊपर कार को स्पॉन कर सकते हैं। ये सारी स्टोरी आपने अपने हिसाब से सेटअप। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है कि आपने यहाँ पे ट्रेन वाला जो सीन आपने देखा होगा, ट्रेन वाले सीन को मैं बता देता हूँ कि वो आपने किस तरह से हैंडल करना है। ट्रेन वाले सीन के लिए आपने किसी भी एक ट्रैक पर आ जाना है और जहाँ से आपका एक ट्रैक स्टार्ट होगा। तो बाकी जो भी स्टोरी है वो आई थिंक आप देख के समझ जाएंगे। जो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, मुश्किल हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रेन का ट्रैक आ गया, उसके अलावा हमें एक ट्रेन चाहिए। तो ट्रेन के लिए हमें दोबारा से व्हीकल मेन्यू में जाना पड़ेगा और यहाँ पर एक ट्रेन स्पॉन करनी पड़ेगी। ये जितने भी मोड्स हैं ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट BMNG की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, जस्ट आपने उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है।
अच्छा, जैसे ही आपका ट्रेन का इंजन स्पॉन हो जाएगा तो ये अपनी डिफॉल्ट जो है ना स्पॉन लोकेशन पे आ जाएगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमने मेन काम करना है F11 की प्रेस करनी है और इसको आप अब इसकी ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्टर टूल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इस ट्रेन वाले जो हिस्सा है ना इसको आपने सेलेक्ट करना है, ट्रेन वाले को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसकी अगर आपने रोटेटेशन और यहाँ पे पोजीशन देख लें तो आपको आइडिया आएगा। यहाँ पे आपने बस ये जो रोटेटेशन है ना इसको आपने देखना है कि यहाँ पे 0 0 0 है। तो अब हमने क्या करना है, इस अगर आप ट्रेन को सिलेक्ट करें ना, ट्रेन के इंजन को, तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर के जी में ऑप्शन शो हो रहा है ना, यहाँ पे देखें इसकी जो वैल्यू है वो चेंज है। तो हमने इन दोनों की ये जो रोटेशन वाली वैल्यूज है ना वो दोनों को मैच करना है। अब यहाँ पे अगेन आप देख लें, ये चीज़ आपकी समझ लें कि वरना आपका बहुत ज़्यादा टाइम इस इंजन को इस ट्रैक पर सेटअप करते लग जाएगा। अब दोबारा से मैं बताता हूँ कि ये जो मैंने ट्रैक सेलेक्ट किया इसकी जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है 0 0 0, ठीक है ना। और अब मेरे पास जो इस इंजन है ना इस कि भी यहाँ पे जीरो आ रही है, यहाँ पे माइनस 0.00 आ रही है, यहाँ ठीक आ रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एंड वाला सेक्शन है इसमें 177 आ रही है। तो इसका मतलब इस 177 को हमने 0.00 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपको टाइप करना है, टाइप करने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके जो ट्रेन इंजन वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाए, ठीक है, चेंज हो गया इसको। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर तो ट्रेन को यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने क्या करना है इसको नीचे कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे गेम को ना अनपॉज करेंगे तो आपका ये ट्रेन इंजन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इश्यू ये है कि जब भी आप ट्रेन इंजन को स्पॉन करें तो आपने ये वाला इंजन यहाँ पे स्पॉन नहीं करना। इसकी रीज़न ये है कि जब आप इसको रोटेट करके दूसरी तरफ मूव करेंगे तो फिर आपको वही इशू का सामना करना पड़ेगा, इसको स्पॉन करने में बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए दूसरा आपने इंजन स्पॉन करना है, ये वाला आपने इसको आपने दूसरी जो हमने दो ट्रैक सेटअप किए थे वहाँ पे स्पॉन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके लिए आपको ये रशियन मॉडल का जो है ना इंजन ये आपने स्पॉन कर लेना है, क्योंकि इसको स्पॉन करने उल्टा हो या सीधा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखें ये हमारा खुद ब खुद ही स्पॉन होके आ गया है। अब आपने इसको ड्राइव किस तरह से करना है, यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट टाइप की कीज नज़र आ रही है, इनको यूज़ करके आप इस इंजन को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले देख लेना है ये किस साइड पे ड्राइव हो रहा है, क्योंकि हमारा जो इंजन ये हमने स्पॉन किया है वो आपने उसकी लोकेशन टेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखें टी प्रेस करूँगा और एरो कीज के मदद से मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ कि किस साइड पर किस तरफ ये जाता है। तो यहाँ पे ये इंजन मेरा नहीं चल रहा, इसका मतलब कि यहाँ के जो इसकी ट्रेन की एडजस्टमेंट है वो पूरी तरह से नहीं हुई। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ करने के बाद यहाँ के शिफ्ट सी प्रेस करना है और कैमरे को फ्री कर लेना है। फ्री करने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इशू यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है कि ये इंजन क्यों नहीं चल रहा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा से F11 प्रेस करूँगा और वर्ल्ड एडिटर में आ जाऊँगा, इसको थोड़ा सा ट्रेन ट्रैक के ऊपर ले जा के ना थोड़ा सा ऊपर रखना है। उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद दोबारा से आपने इसको टेस्ट करना है, ठीक है, टी प्रेस करना है और एरो की मदद से आगे पीछे करना है। यहाँ पे देखिए ये रन हो रहा है, इसका मतलब सक्सेसफुली हमारा चल रहा है। अब हमने ड्राइव करना है दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ से ड्राइव करने के लिए यहाँ पे देखें आपको रेंज बॉक्स का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको आपने एच कर देना है। जैसे आप एच करेंगे ना, अब यहाँ पे देखें एच को मैंने यहाँ पे किया रेंज बॉक्स को और टी प्रेस करके मैं इसकी जो है ना स्पीड को इंक्रीज़ करता हूँ और एरो की मदद से मैं आप इसको आगे ले जा सकता हूँ इजीली। और इस मेथड को यूज़ करके आप ट्रेन को इजीली यहाँ पे स्पॉन कर सकते हैं और इस वाले जो सीन में है ना ये यूज़ कर सकते हैं। अब आपने मैंने जो दूसरा आपको ट्रेन का इंजन दिखाया था वो आपने दूसरी लाइन पर यूज़ करना है तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये बेसिक पॉइंट थे जो आपको बताना ज़रूरी था कि क्योंकि इस सीन में ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है, एक तो मैप को सेटअप करना और दूसरा इस ट्रेन वाले को, और तीसरा जो था वो दोनों ट्रक को ना एक साथ किस तरह से ड्राइव करना चाह। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपके डिपेंड करता है स्किल पे। अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर है तो आपने इसके छोटे छोटे सीन में डिवाइड कर देना है, सीन में डिवाइड करने के बाद आप इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।